सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बना रहे हैं मकर संक्रांति का स्पेशल धोंदा। तो धोंदा बनाने के लिए हमें एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें थोड़ा से तेल डाल ऑयल डाल के हमें उसको अच्छे से उबाल लेना है हाई फ्लेम पे। उसके बाद हमें डालना है गुड़। उसको हमें अच्छे से पिघलाना है, देख सकते हो आप, उसको अच्छे से पिघल जाने दीजिए। और जब तक वो चिपचिप नहीं हो जाता तब तक आपका ये तैयार नहीं होता। अगर वो चिपचिप हुआ तभी आपका ये पिघल के रेडी होता है आपका धोने का। चलिए तब तक हम इसको मिलाते हैं, इसको पिघलवाते हैं। तब तक आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है, ताकि वो हम आपके लिए जल्दी लेकर आ जाए वो वीडियो। फाइनली देखो हमारा ये रेडी हो चुका पिघल के, लेकिन अभी भी ये चिपचिप नहीं हो रहा था, इसलिए हमें लगा कि अभी वो रेडी नहीं हुआ है। तो आप बताइए ज़रूर कमेंट में। और हम थोड़ी देर बाद तिल के लड्डू का भी वीडियो आपके लिए जल्दी अपलोड करेंगे। और आपको मकर संक्रांति में आपके घर पर क्या क्या बनाए ये भी ज़रूर अपलोड कीजिएगा, सॉरी ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर हमने वो जब तक पिघलता है तब तक हमने एक भगोने में बहुत सारे भूजल डाल देना है। आपको जितना डालना है उतना डाल सकते हैं। भूजल डालने के बाद हम उसमें से सारे कचौड़े निकाल लेना है आपको, जैसे हम देख रहे हैं कंसोलेशन मेथड हमें करनी है भूजे के साथ। हमने आज 4 पैकेट भूजे लिए थे, आपको जितने लेना है उतने ले सकते हो। फिर हमारा ये फाइनली ये उबल रहा है और थोड़ा सा चिपचिप होने लग गया है, तो मीन्स ये अभी हमारा रेडी होने को आ गया है। कमेंट में बताया कि नहीं आपने ज़रूर, और आपके घर पे क्या क्या मिठाइयाँ बनी है ये भी ज़रूर बताना। और आपने आज पतंग उड़ाया कि नहीं उड़ाया सब बताइएगा कमेंट में। फिर हमारा फाइनल ये चिपचिप हो गया, तो हमने इस गैस को बंद कर दिया और इसको भूजे में अच्छे से देख सकते हो आपने डाल दिया हमने। और फिर इसको हम थोड़ा सा इसके भगोने को अच्छे से हम हिलाएंगे ताकि थोड़ा सा ये फैले भूजे के अंदर, देख सकते हो। मैं इधर से वीडियो बनाते बनाते हम मैं हिलाया भी जा रही थी, देख सकते हो। फिर हमें इसको अच्छे से भूजे के अंदर मिक्स कर लेना है, देख सकते हो ये बहुत कम पड़ गया था लेकिन फिर भी हमने मिक्स कर लिया, क्योंकि मम्मी को तो और बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी ने फिर भी इसको अच्छे से सारे भूजे में ये कर दिया, मिक्स कर दिया मेरी मम्मी ने। माम होते ऐसी, ओह ईस्ट आर बेस्ट, मॉम इज़ द बेस्ट। तो हम ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए हमारे चैनल पे। देख सकते हो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आपको इसके लड्डू बनाने हैं, लेकिन लड्डू बनाने से पहले आपको अपने हाथ पर थोड़ी सी घी लगानी है ताकि ये चिपके ना आपके हाथ पर। हमने इसको अच्छे से देखो लड्डू का शेप दे रहे हैं इसको। और ये भी बता ना कि आप इस धोंदे को मीन्स भूजे के लड्डू को आप क्या बोलते हो, और आपके आप कौन से स्टेट से हो, और भूजे को भी क्या बोलते हैं। हम लोग तो यहाँ पे मुड़मुड़ा और भूजा ही बोलते हैं, और ये इस लड्डू को धोंदा बोलते हैं हम। आप भी ज़रूर बताना आपको आप क्या बोलते हैं इसको। फाइनली हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं, लेकिन आप इसको खाने से पहले ना आप ज़रा सोच लीजिएगा ठंडा है कि नहीं। अगर ठंडा नहीं होगा ना तो आपको खाने में कुछ मज़ा नहीं आएगा, एकदम नॉर्मल सा लगेगा और आपके हाथ भी जल जाएंगे। इसलिए जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये आप खाना, ताकि आपको थोड़ा सा क्रंची भी लगे और हाथ भी ना गर्म हो जाए आपका। देख सको हमारा लड्डू पूरा पूरा तैयार हो चुका है, कमेंट में बता दिया। चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग में मिलेंगे, तिल के लड्डू वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर दिया है, किया होगा तो ठीक है, नहीं किया तो करके जाना है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। इसके अंदर आप शुगर का पाउडर भी मिला के डाल सकते हैं।